टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। आज फिर हम लोग बातचीत करेंगे यूपी टेट पर, यूपी टेट 2019। यूपी टेट 2019 इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में भी अब यूपी टेट पास करना अनिवार्य हो गया है। प्राइवेट स्कूलों में भी अध्यापक बनना चाहते हैं तब भी यूपी टेट आपको पास करना ही होगा। आप टीजीटी की विज्ञप्ति आने वाली है उसमें फॉर्म भरेंगे तब भी आपको यूपी टेट पास होना ही पड़ेगा और यूपी टेट के अंकों को भी मुख्य परीक्षा के गुणांक में जोड़ा जाएगा, इसलिए भी आपको यूपी टेट पास करना ही होगा। बहुत ही कम समय बचा है, सितंबर महीने में एग्जाम इसका अपेक्षित है। इसकी तैयारी हमारे चैनल, हमारे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू कर दी गई है, तो आप सब चलिए लग जाइए और शुरुआत करिए। दो तीन वीडियो जा चुके हैं और आज का ये वीडियो फिर से आप सबको उपलब्ध होगा। सभी विषयों की कक्षाएं चल रही हैं और आप लोग एक काम कर लीजिए, पहला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा पाठ्यक्रम, दो चीजें अभी अपने पास रख लीजिए। बाकी जो चीजें आपको लेनी होगी, कौन सी किताब लेनी, कौन सी नोट्स पढ़ने हैं, ये सारे काम हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। तो आज का जो मूल वर्ण विषय है, आज भी पाठ्यक्रम पर बातचीत, उसके साथ ही कुछ चैप्टर्स पर आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू कराया जाएगा। आज यहां हम बात करेंगे हिंदी पर और आज दूसरा वीडियो हिंदी का है। कल आपको संस्कृत का वीडियो मिलेगा, परसों भी संस्कृत का वीडियो मिलेगा। तो चलिए, मेरा कहना है, उद्देश्य यह है कि आप सब केवल पहले तैयार हो जाइए मन मस्तिष्क से कि हमको तैयारी में अब लग जाना है। यहां देखिए, आपको ये प्राथमिक का पेपर, सॉरी जूनियर का पेपर है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक पाठ्यक्रम डाउनलोड करना होगा। बेलर फॉर्म तो अभी नहीं भरे जा रहे हैं लेकिन ये पाठ्यक्रम आपके पास होना ही चाहिए और उस पाठ्यक्रम में आप देखिए कि यहां पर एक चैप्टर है रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। कल जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि इस चैप्टर को मैं आपके सामने रखूंगा, तो चलिए शुरुआत करता हूं इस महत्वपूर्ण चैप्टर की। रा के विषय में कहा जाता है कि ये य र ल व इन चार वर्णों के जो पंक्ति है उसमें दूसरे स्थान पर आता है। रा को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकंपित व्यंजन, क्योंकि एक होता है कंप और कंप के पहले प्रा उपसर्ग लगा दीजिए तो शब्द बन जाता है प्रकंप। और प्रकंप का कहने का मतलब यह होता है कि एक कंप के बाद जब दूसरा कंप हो तो उसे प्रकंप कहा जाता है। जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा प्रकंप करती है। एक बार ऐसा नहीं कि एक बार वो उसने थोड़ा सा मूवमेंट लिया उसके बाद वो शांत हो गया, ऐसा नहीं। वो एक बार जब कंप लेती है तो दोबारा उस कंप से फिर से कंप होती है और प्रकंप उसे कहते हैं। तो यहां पर जो ये प्रकंप है, रा को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। और पहली जो इसकी विशेषता है, ये अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। आपके यहां जो पाठ्यक्रम में दिया गया है रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, आप जानते हैं कि रा के तीन तरीके के प्रयोग आपके यहां प्रचलित हैं। एक रा इस तरीके से लिखा जाता है उष्ट्र, दूसरा रा आपके यहां लिखा जाता है कार्य और तीसरा रा आपके यहां लिखा जाता है क्रम। तीन रूपों में हम रा का प्रयोग देखते हैं, उष्ट्र, कार्य और क्रम। एक प्रश्न यह उठता है कि किन समयों में इनका अलग अलग प्रयोग किया जाता है और क्यों। इसके लिए आपको वर्णमाला की मूलभूत जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। वर्णमाला की जानकारी में आपको यह मालूम होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण ऐसे हैं जिनका अर्धाक्षर नहीं हो सकता। अर्धाक्षर कहने का मतलब है कि स्वरों का अर्धाक्षर नहीं होता है।
कभी भी आपने नहीं देखा का कि आ का आधा अक्षर किया गया हो, ई का आधा अक्षर किया गया हो। तो जो अर्धाक्षर होता है, जो आधे अक्षर बनाए जाते हैं, वो केवल और केवल व्यंजनों के बनाए जाते हैं। तो चलिए एक ग्राफ द्वारा हम लोग देखने का प्रयास करें कि किन किन अक्षरों का, किन किन वर्णों का हिंदी वर्णमाला में अर्धाक्षर किया जा सकता है। यहां हम लिख लेते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, छ, त्र, ज्ञ। ठीक है, तो ये हमारे कुल वर्ण हो गए सारे व्यंजन। अब आप सब ये बताइएगा कि तीनों सा का सही क्रम लिखा है कि गलत क्रम में लिखा है, ये आप बताइएगा किस क्रम में इनको होना चाहिए। अब हमको जो जांच करनी है कि कितने वर्ण हिंदी वर्णमाला में ऐसे हैं। देखिए बहुत ही सहज चीज है, कक्षा एक दो की चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन कभी आपने इसको गंभीरता से नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे यूपीटेट में भी प्रश्न आपके आएंगे, प्रश्न सरल रहेंगे, लेकिन आपने कभी उसको पढ़ा नहीं, इसलिए वो कठिन लगते हैं। आप जानते हैं कि का का आधा अक्षर हो जाता है क, ख का भी आधा हो जाता है इस तरीके से, ग का भी, घ का आधा होता है कि नहीं होता बताइए, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि घ का आधा अक्षर होता है कि नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि घ का आधा अक्षर नहीं होता, होता है नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम घ के नीचे ऐसे हलंत लगा दें तो घ का आधा अक्षर हो जाएगा, लेकिन घ का आधा अक्षर तुम्हारी जी ठीक है ये, लेकिन इसका कोई सिंबल तो बनता होगा, जैसे का का इस तरह से बन गया, खा का ये बन गया, गा का ये बन गया, तो घ का भी कोई सिंगल बनता है नहीं बनता। तो घ का कोई भी सिंबल इस तरह से नहीं देखने को मिलता। अंगा का बनता है, अंगा का, तो अंगा का भी नहीं बनता। च का बनता है, छ का, छ का भी नहीं बनता। ज का बन जाता है, झ का बन जाता है, इया का भी बनता है, ट का नहीं बनता, ठ का नहीं बनता, ड का भी नहीं बनता, ढ का नहीं बनता, आणा का बन जाता है, ता का बन जाता है, था का बन जाता है, दा का नहीं बनता, धा का आधा अक्षर बनता है कि नहीं, बन जाता है, ना का भी बन जाता है, पा का बनता है, फा का बनता है कि नहीं आधा अक्षर, ये इस तरह से बनता है ना, तो फा का भी आधा अक्षर नहीं बनता। भा का बनता है, मा का बनता है, या बनता है, रा बनता है, ला बनता है, वा का बन जाता है, तालब्य शा बनता है, मूर्धन्य दंत शा बनता है, हा का भी नहीं बनता, छ का नहीं बनता, त्र, छ का भी बन जाता है, त्रा का भी बन जाता है, और ज्ञा का भी बन जाता है। तो अब इसके पीछे बताने का मामला यह है कि जिन जिन अक्षरों का एक दो इसमें मैंने जानबूझ के गलत किए हैं, इसलिए जानबूझ के गलत किए कि कम से कम आप पहचानिए, मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा फिर से, लेकिन आप कम से कम पहचानने का प्रयास करिए पूरी वर्णमाला लिखकर स्वयं कि किस किस वर्ण का आधा अक्षर आप बना सकते हैं और किसका किसका नहीं बनता है, बहुत जेन्युइन प्रश्न है। तो देखिए जो ये पूरी जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में जिनका जिनका हम आधा अक्षर बना लेते हैं, जिनका जिनका हम आधा अक्षर बना लेते हैं, उनके उनके नीचे हम इस तरह के र का प्रयोग नहीं करते हैं, इस तरह के र का प्रयोग। अब जिसका जिसका आधा अक्षर नहीं बनता उसमें उसमें हम इस र का प्रयोग करते हैं, जैसे ड्रम, आपको लिखना है क्या, ड्रम। अब यहां देखिए ड्रम या ड्रामा, तो ड्रम में जो ड है इसका आधा अक्षर नहीं होता,
अब एक प्रश्न यह उठता है कि जो ड्रम शब्द है इसमें डा आधा है कि रा आधा है कि म पूरा है क्या है, या इस कहें कि ड्रम शब्द का आप वर्ण विन्यास करिए। वर्ण विन्यास कहने का तात्पर्य स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। देखते हैं कि ड्रम को हम स्वर और व्यंजन की दृष्टि से अलग अलग करके कैसे लिखते हैं। चलिए यहां देख लेते हैं, हमने लिखा ड र म आ, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा ड है वो क्या है, आधा है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो हमारा ड है वो तो आधा है, लेकिन र क्या है, पूरा है। र क्या है, पूरा है। ड हमारा आधा है और र हमारा पूरा है, तो लेकिन अगर कोई आधा अक्षर पहले आए उसके बाद पूर्ण रा रहे तो पूर्ण रा का जो चिन्ह है उस आधे अक्षर के ऊपर लग जाता है, ठीक है। यहां आपने देखा कि जैसे ढ्रलोपस्य दीर्घे, ढ्रलोपस्य पूरे दीर्घोणा एक सूत्र है संस्कृत का, तो ढ्रलोप आपको लिखना है ढ्रलोप, तो आपने ढ्रलोप लिख दिया, ढ्रलोपस्य, ये ढ्रलोपस्य लिख दिया। अब आप जानते हैं कि ये ढ है आधा और र है पूरा, और दोनों को मिलाया तो बन गया ढ। अगर कोई आधा व्यंजन हो उसके बाद पूर्ण रूप से र व्यंजन हो तो इस तरीके का रूप बनेगा, लेकिन अगर ये जो ढ है इसका आधा अक्षर नहीं बनता है। अगर मान लीजिए किसी का आधा अक्षर बन जाए तब वो क्या होगा, मान लीजिए जैसे आपको क्रम लिखना है, क्रम, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्रम लिखना है, ऐसी स्थिति में जिन भी अक्षरों का आधा अक्षर हो जाता है और उनके बाद र रहे, तो यहां पर आधा का पूरा र और अ और म और अ है, इतने से हमको काम है। क्रम में आधा का के बाद र है फिर म है, तो आधा का के बाद जब र आएगा तो र की मात्रा इसमें ऐसे लग जाएगी। देखिए इतना आप जानिए कि जो र होता है हमेशा उसको अर्थिंग की जरूरत होती है। सरल भाषा में जैसे आप बिजली, बहुत सारे लोगों के यहां बिजली होगी, सबके यहां मुझे तो लगती है 100% लोगों के यहां बिजली होगी, तो इसके पहले जब एक फेस आता था तो एक अर्थिंग दी जाती थी, तो एक सरिया आप गाड़ देते थे और उसी में एक तार ऐसे बांध के और उसको अर्थिंग के रूप में प्रयोग में लाते थे, एक फेस जहां होता था। तो जो र होता है वह भी एक सरिया के सहारे हर जगह टिका रहेगा, मतलब जहां भी र आप लगाएंगे उसको एक अर्थिंग की आवश्यकता पड़ेगी। सरल शब्दों में जैसे यहां आपने लिखा क्रम, तो तुरंत जो है हम जहां से ये अर्थिंग इसको मिलनी चाहिए, ये जो अर्थ है हमने यहां से इसको लगाया और ये बन गया क्रम। जब आधा र है, सॉरी आधा का है और पूरा रा है, तब अगर यही का आधा अक्षर ना होता तो यही रा जो है इस तरीके से लग जाता, इस तरीके से, लेकिन का आधा अक्षर होता है इसलिए यहां से घुस गया ये। तीसरी स्थिति जो रा की है वो और भी अच्छी है, वो क्या है, अगर हम इस रा को आधा कर दें, अगर मान लीजिए इनके इस र आधा हो तो, जैसे क र और य, अगर इस तरह से आ जाए स्थिति कि र आधा रहे किसी व्यंजन के बाद और किसी व्यंजन के पहले र आधा रहे, तो अगर र आधा है
तो हल्का है, जैसे पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है, ठीक उसी प्रकार से अगर र नीचे है और वो आधा है तो तैरने लगेगा। तैरने लगेगा मतलब ऊपर चला जाएगा, और जब वो ऊपर जाएगा तो कहां लगेगा, यह भी एक प्रश्न है। तो जहां वो उच्चरित होगा उसके ठीक बाद आप पढ़िए कार्य, पहले र का उच्चारण हो रहा है फिर या का, इसका मतलब है कि जो अंतिम वाला वर्ण है या, उस पर उसका चिन्ह लगेगा। लेकिन सही चिन्ह क्या है वह भी आपको दिखाएं हम। मान लीजिए लिखा है कार्य, कार्य विद्यार्थी विद्यार्थी इन तीनों में विद्यार्थी कौन सा सही लिखा है और इन दोनों में कार्य कौन सा सही लिखा है। मैंने भी आपको बताया कि कभी भी अगर रा को देखिए तो उसको एक सरिया की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक खड़ी पाई की, उसी के सहारे वो टिककर रहेगा। आखिरी वर्ण होगा तो आखिरी डंडे पे टिका रहेगा, अर्थात ये वाला कार्य आपका सही है, दूसरा वाला ये कार्य आपका गलत लिखा है। आप लोग जब लिखते होंगे तो जल्दबाजी में या के बीच में आप रा लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इसके लिए उसको एक इस तरह से डंडे की जरूरत पड़ेगी, तो मतलब या के जो लाइन है उस पर जो आप र लगा रहे हैं यह सही लिखा है, ऊपर वाला आपका गलत है। ठीक इसी प्रकार से जो आपने विद्यार्थी ऊपर लिखा है तो बीच में और इस तरह से र नहीं लगता है, यहां पर था के ऊपर जो र लगा दिया गया है यह भी गलत है। सही क्या होगा, जो आखिरी वाला डंडा है इसके ऊपर आपको र लगाना पड़ेगा। आखिरी वाला डंडा जो होगा किसी भी वर्ण का उसी के ऊपर हमको क्या लगाना है, जो खड़ी रेखा सबसे आखिरी में होगी व्यंजन की उसी के ऊपर या स्वर होगा उसके ऊपर आपको र की मात्रा जोड़ना है। तो यह इसका एकदम सही फॉर्मेट है, एकदम सही। इसी तरीके से र के तीनों रूप हम देखते हैं। एक तो यह हो गया कि जिसका जिसका आधा अक्षर नहीं होता उसके उसके नीचे हम र की मात्रा इस रूप में लगाते हैं, अगर आधा अक्षर रहता है तो हम इस ऊपर इस रूप में लगाते हैं, अगर र आधा है तो इस रूप में, र अगर पूरा है उसके पहले आधा व्यंजन है कोई और वो किस तरह का होना चाहिए, उसका आधा अक्षर नहीं बनना चाहिए तो इस तरह से। और तीसरा रूप क्या है कि मान लीजिए र पूरा है उसके पहले कोई व्यंजन है जो आधा है लेकिन उस व्यंजन का हम आधा रूप बना सकते हैं तो हम इस तरीके से र लगा देंगे नीचे से। यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि इसको हम कैसे लगाएं, यह भी तो देखिए जैसे लिखा है क्रम, पहला क्रम दूसरा, यहां पर भी जो आपका क है उसके उसका वाला जो डंडा है ये जो खड़ी पाई है इसी में उसको इस तरह से टच होना चाहिए। जब तक उसमें वो टच नहीं रहेगा, स्पर्श उसका नहीं रहेगा तब तक वो सही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि र के कितने रूप हैं और किस प्रकार से उनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के प्रश्न शुद्ध शुद्ध रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं और र के रूपों को हम किस प्रकार से और किस तरीके से विभाजित करते हैं यह भी हम प्रश्न यूपीटेट में प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। हिंदी और संस्कृत दो विषयों की मैं अपनी तरफ से गारंटी लेता हूं
कि मैं जितना पढ़ाता हूं उतने में से ही आता है। ऐसा मैं क्यों कॉन्फिडेंस से कहता हूं? क्योंकि मैं कोई चीज छोड़ता नहीं, जो सिलेबस में है उसको भी पढ़ाऊंगा और जो सिलेबस में नहीं है संभावित है वह भी पढ़ाऊंगा। इसलिए विद कॉन्फिडेंस कहता हूं कि जितना पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा। आप प्रश्न देखने के बाद बहुत खुश होंगे कि ये प्रश्न तो हमारा पढ़ा हुआ है, सर ने पढ़ाया था, भले बाद में दुखी होना पड़े कि मुझे इसका जवाब नहीं याद है, लेकिन जितना भी आएगा सब पढ़ाया हुआ आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। विद कॉन्फिडेंस मैं कहता हूं, पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं हमारे कोचिंग में ऑनलाइन, वहां पर आप जाके सारे वीडियोज और पुराने पेपर को बैठ के मिला लीजिए, आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तथ्य सही, तथ्य की दुनिया है, रिकॉर्ड की दुनिया है, आप जाके रिकॉर्ड को मेल कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे संस्थान के ऊपर विश्वास करिए। जितने भी नए छात्र हैं वो अपने सीनियर छात्रों से पूछ सकते हैं कि टारगेट विद आलोक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसी है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, विगत वर्षों में कितना सिलेक्शन दिया है, बच्चे कितना संतुष्ट हैं, उसके बाद निर्णय लेकर हमारे साथ आइए, प्रतिबद्ध होकर तैयारी शुरू कर दीजिए। और कोई भी किताब कोई भी गाइड अपने से मत खरीदिएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आप सब अभी थोड़ा सा कम सीरियस दिख रहे हैं, जिस दिन से व्यूज ज्यादा आएंगे, आप लोग सीरियस ज्यादा होंगे, उस दिन से अपनी कक्षा को भी मैं और बढ़ाऊंगा। अभी 20 मिनट 22 मिनट 25 मिनट की कक्षा ले रहा हूं, फिर 40 मिनट और 50 मिनट की कक्षा लूंगा। तो जल्द ही सभी विषयों का शेड्यूल एकदम से बन जाएगा, प्रतिदिन आपको सारे वीडियो सभी विषयों के मिलेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए चैप्टर के साथ। और कल का जो महत्वपूर्ण चैप्टर होगा वो संस्कृत से होगा। संस्कृत में माहेश्वर सूत्र रटने में आप सबको बहुत समस्या होती है और मैं उसी से संबंधित बातचीत को करूंगा, ठीक है? मैं गौरव नंजन टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आपका भूगोल एवं पर्यावरण का टीचर। आप लोगों को हम यूपीटीईटी जो आगामी परीक्षा है आपकी उसकी तैयारी के लिए आपको क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रहा हूं और पर्यावरण में मैंने आपको पिछले वीडियोज में इतना बता दिया था कि पर्यावरण होता क्या है, साथ ही साथ मैंने पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इन दोनों पर अच्छे से मैंने आपके साथ डिबेट किया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसको हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, दो घटक बताए गए हैं। एक घटक जो इसका जैविक घटक है, जैविक घटक, और दूसरा घटक जो इसका है वो है अजैविक घटक। अब मैंने यहाँ पर इतना आपको समझा दिया था पहली क्लास में और दूसरी क्लास में, जैविक घटक के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, तो जैविक घटक के अंतर्गत आपका आता है उत्पादक, जैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है, तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है आपका उपभोक्ता, और कौन आता है जैविक घटक के अंतर्गत, तो जैविक घटक के अंतर्गत आता है आपका अपघटनकर्ता। तो ये तीन है जो आपके जैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर है अजैविक घटक, तो अजैविक घटक में आपका क्या शामिल है, तो अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है आपका स्थल मंडल, अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है आपका जल मंडल, और अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाता है आपका वायुमंडल, ठीक ना? तो जल मंडल वायुमंडल और आपका स्थल मंडल, ये आपके अजैविक घटक के अंतर्गत शामिल है, अजैविक घटक के अंतर्गत ये आता है। अब स्थल मंडल पर क्या पाए जाते हैं, बेसिकली स्थल मंडल पर हमारे महाद्वीप है। तो आपका जो यूपीटीईटी का जो सिलेबस है उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है महाद्वीप, तो महाद्वीपों को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा स्थल मंडल कंप्लीट हो जाएगा। जल मंडल के साथ साथ हमारे क्या आते हैं, तो जल मंडल के अंतर्गत आते हैं हमारे सागर, महासागर और खाड़ियां। तो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है महासागर, तो महासागरों को पढ़ेंगे तो वहां पर हमारा जल मंडल वहां पर हमारा तैयार हो जाएगा। अब बचा कौन आपका वायुमंडल, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हम आज वायुमंडल पढ़ लेते हैं, फिर जब मैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में आपको पढ़ाऊंगा तो वहीं पर हम स्थल मंडल को देख लेंगे और वहीं पर हम किसको देख लेंगे, वहीं पर हम जल मंडल को देख लेंगे, ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक वो हमारा एटमॉस्फेयर है,
वायुमंडल। तो आज हम लोग एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल को अच्छे से समझ लेते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, ठीक ना। चलिए आइए, तो हेडिंग लगा लीजिएगा वायुमंडल। वायुमंडल को आप हमारे साथ समझिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे, बहुत आपको मजा आने वाला इस टॉपिक में। तो टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टॉपिक हो जाएगा वायुमंडल। टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा टॉपिक हो जाएगा वायुमंडल, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं हम लोग वायुमंडल को। तो वायुमंडल, तो वायुमंडल बेसिकली वायुमंडल में हम दो चीजें पढ़ेंगे। वायुमंडल का सबसे पहले हम देखेंगे वायुमंडल का संघटन क्या है। वायुमंडल का संघटन, संघटन क्या होता है, संघटन का अर्थ क्या होता है। संघटन का मतलब होता है जिन पदार्थों से, किसी भी वस्तु का जिन पदार्थों से मिलकर निर्माण हुआ है, तो उन पदार्थों को ही हम उस वस्तु के संघटन या संघटक कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव शरीर, जो हमारा शरीर है, मानव शरीर का निर्माण किससे हुआ है, तो मानव शरीर में ब्लड पाया जाता है, मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं, मानव शरीर में आपके ऊतक पाए जाते हैं, लंग्स, फेफड़े, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाखून है, बाल है, त्वचा है, इन सबसे मिलकर मानव शरीर का निर्माण हुआ है, तो ये हो गया मानव शरीर का संगठन। मानव शरीर का संगठन, एक क्लासरूम, ये जो आपकी क्लासरूम है, इस क्लासरूम का निर्माण किससे हुआ है, एक क्लासरूम तभी क्लासरूम कहलाएगा ना जब उस क्लासरूम में एक अध्यापक होगा, अध्यापक का मित्र यानी बोर्ड होगा, मार्कर होगा, कैमरा होगा, स्टूडेंट होंगे, तभी तो एक क्लास को हम कहेंगे कि यह एक क्लास है, तभी तो हम क्लास को डिफाइन कर पाएंगे। ये मैं वॉच पहने हुए हैं, ये जो मेरी वॉच है, ये वॉच है, इस वॉच का भी निर्माण हुआ है, इसमें स्टील लगा है, अंदर और भी पदार्थ लगे हुए हैं, इसमें सेल होगा, एक बैटरी होगी इसकी, तो सब क्या हो गया, इस घड़ी का क्या हो गया, संगठन। तो वायुमंडल, सबसे पहले वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। वायुमंडल क्या है, तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अब विभिन्न गैसों का मिश्रण है तो एक कन्फर्म है कि इसमें एक गैस नहीं होगी, कई सारी गैसें होंगी। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, तो और वह गैसें किस मात्रा में पाई जाती हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम देते हैं संघटन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है, 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है, 21%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ठीक ना। उसके बाद आर्गन, आर्गन 0.93%। उसके बाद CO2 0.03%। उसके बाद अदर गैसें 0.04%। अब बाबू इनको काउंट कर लीजिएगा तो ये आपका 100% आ जाएगा। बेसिकली बस हमें यहाँ पे ये दो गैसें याद रखनी, इन दोनों का योग अगर देखेंगे आप तो 99 हो जाता है, 78 और 21, इनको अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 99। कितना आ जाता है, तो ये आपका 99 हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, तो ये नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन हो गया, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, 99%, ठीक ना। तो ये वायुमंडल का संगठन है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और उन गैसों का अनुपात क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इनकी आप आंसर अच्छे से दे दीजिएगा, ठीक ना। चलेगा, तो ये वायुमंडल का संगठन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, वायुमंडल की संरचना से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना, ठीक ना। वायुमंडल की संरचना पढ़ने से पहले हम इमेजिन करिएगा, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका धरातल है, यहाँ पर हम और आप जैसे लोग रहते हैं, बी एंड यू, हम और आप यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर गैसों का एक आवरण है, और इसी गैसों के आवरण को हमने क्या नाम दे दिया, इसी गैसों के आवरण को हमने नाम दे दिया वायुमंडल। तो वायुमंडल में कई सारी परतें हैं, इन परतों को क्या किया हमने, इन परतों को हमने 5 भागों में बांट लिया, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वायुमंडल है, और वायुमंडल को हमने 5 भागों में या 5 परतों में हमने क्या कर लिया, वायुमंडल को हमने 5 भागों में विभाजित कर लिया, ठीक ना। तो मैं एक इसका सिंपल सा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, देखिएगा। यह है, यहां पर हमारा धरातल है, यहां पर हमारा पाए जाते हैं,
यानी हम और आप कितने किलोमीटर पाए जाते हैं, तो यहां पर 0 किलोमीटर है। हम और आप कितने किलोमीटर पाए जा रहे हैं यहां पर, तो हम और आप पाए जाते हैं 0 किलोमीटर पर। यहां पर एक, यहां पर एक मंडल हो गया ये, यहां पर एक मंडल ये हो गया, और यहां पर एक मंडल, और एक मंडल सबसे ऊपर, ये 5 मंडल बना दी, 1 2 3 4 5। अब 0 से किसी किताब में 13 किलोमीटर लिखा रहता है, किसी में 15 किलोमीटर और किसी में 18 किलोमीटर। इसके लिए अन्य विभिन्न किताबों में ये आंकड़ा लिखा रहता है। सतह से कहीं पर लिखा रहता है 13 किलोमीटर, सतह से 15 किलोमीटर और सतह से 18 किलोमीटर, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। तो जैसे 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 आप ऊपर जाएंगे, यानी सतह से या तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यहां तक जो ये मंडल है, इस मंडल को एक नाम दिया जाता है, और इस मंडल को जो नाम दिया जाता है, इस मंडल को क्या नाम दिया जाता है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल सतह से लेकर 13 किलोमीटर, किसी किताब में 15 किलोमीटर और किसी किताब में 18 किलोमीटर। तो सबसे वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है, या पृथ्वी के सबसे समीप वायुमंडल की कौन सी परत पाई जाती है, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल की कौन सी परत पाई जाती है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल की जो परत पाई जाती है उसका नाम है क्षोभ मंडल। तो यहां पर क्षोभ मंडल है। अब 13 से लेकर 40 किलोमीटर तक, ये आंकड़ा किताबों में अलग अलग किताबों में अलग अलग है। तो 13 से 40 किलोमीटर के, 13 से 40 किलोमीटर या 15 से 40, ये वाला क्षेत्र जो है, इस वाले क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है समताप मंडल। क्या नाम दिया जाता है इसको, तो इसको एक नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया समताप मंडल। अब 40 से 80 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इसको एक नाम दे दिया गया, और इसको नाम दे दिया गया मध्य मंडल। क्या नाम दे दिया गया, इसको एक नाम दे दिया गया मध्य मंडल। 40 से 400 किलोमीटर का क्षेत्र, तो 80 से 400, तो इसका एक नाम दे दिया गया, और इसको नाम दे दिया गया आयन मंडल। क्या नाम दे दिया गया इसको, आयन मंडल। और सबसे ऊपर वाला भाग जो इन्फाइनाइट तक जाता है, इसको नाम दे दिया गया बाह्य मंडल। इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया बाह्य मंडल। ठीक ना, ये हमारा वायुमंडल की 5 परतें हैं, जिनकी मैंने साथ साथ में आपके लिए ऊंचाई लिख दी है। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अभी पूछता हूं आपसे। यहां पर हमारा सतह है, यहां पर हम और आप हैं। सतह से, सतह पृथ्वी की सतह के समीप वायुमंडल की कौन सी परत पाई जाती है, तो पृथ्वी के सबसे समीप वायुमंडल की जो परत पाई जाती है उसको नाम दिया गया क्षोभ मंडल, और सबसे अंत में जो परत पाई जाती है उसको नाम दे दिया गया बाह्य मंडल। ठीक ना, ये इनकी ऊंचाइयां हैं। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है, अब इसका हम यहां पर इंग्लिश लिखते जाएंगे। पहले वाला इसको हम 1 नंबर देते हैं, इसको 2, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपो स्फीयर, एसपीएचईआरई, ट्रोपोस्फीयर। ठीक ना, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर में मौसम संबंधित घटनाएं घटती हैं, या हम लिख सकते हैं मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। ट्रोपोस्फीयर यहां पर क्या है, यहां पर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, या मौसमी घटनाओं के अंतर्गत क्या आता है, ओला है, ओलावृष्टि यानी बर्फ की बारिश, वर्षा, तूफान, कोहरा का बनना, कोहरा का निर्माण होना। तो जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं, मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कोहरा बनना, कुहासा बनना आदि, तो उसको, उसके लिए हमने एक शब्द यूज किया, तो मौसम संबंधित घटनाएं। तो मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल की जिस परत में होती हैं उसको नाम दे दिया गया क्षोभ मंडल। उसको क्या नाम दे दिया गया, क्षोभ मंडल। इंग्लिश में उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। ठीक ना, दूसरी जो, दूसरी वाली यहां पर देखिएगा थोड़ा सा, यहां पर, यहां पर एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है, इस लाइन का एक नाम है, और इस लाइन का जो नाम है, इस लाइन का नाम है क्षोभ सीमा। ट्रोपोपॉज बोलते हैं क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा है यहां पर, क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या करती है, जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है।
क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है, तो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संरचना का नाम क्या है? तो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संरचना का नाम है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा की जो मोटाई है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक होती है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, या मोटाई कह लीजिएगा, मोटाई होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में घटित होंगी, क्षोभ मंडल में। बादलों का निर्माण कहां तक हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बादलों का निर्माण किस परत तक हो सकता है। तो हम जानते हैं कि बादलों का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है, और क्षोभ मंडल में कहां तक हो सकता है, क्षोभ सीमा तक। क्षोभ सीमा के ऊपर बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा, तो बादलों का निर्माण कहां पर होता है, तो बादलों का निर्माण क्षोभ सीमा तक होता है। बादलों का निर्माण कहां तक होता है, तो बादलों का निर्माण क्षोभ सीमा तक होता है, ये आपको याद रखना है। बादल यहीं पर बन जाए पाएंगे, इसके ऊपर बादलों का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो क्षोभ सीमा क्या कर रही है, जो क्षोभ सीमा है जो वो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग कर रही है। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल को समताप मंडल से क्या कर रही है, अलग। अब आते हैं हम लोग समताप मंडल। तो समताप मंडल दूसरा मंडल है हमारा समताप, और इस समताप मंडल को हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक ना। आपको नाम से ही कुछ समझ में आ रहा है, समताप यानी तापमान कैसा होना चाहिए, तापमान समान होना चाहिए, तो समताप तापमान एक समान हो। तो चूंकि समताप मंडल में तापमान एक समान पाया जाता है, समताप मंडल में तापमान एक समान पाया जाता है, तापमान एक समान पाए जाने के कारण समताप मंडल में मौसमी संबंधित, समताप मंडल में मौसम संबंधित या मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। जब स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं घटेंगी, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम वायुयान उड़ाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वायुमंडल की किस परत में वायुयान, या आजकल जो गुब्बारे चल रहे हैं जिसमें बैठ के घूमते हैं ना, एयर बैलून बोलते हैं, गुब्बारा, ठीक ना। तो जेट विमान बोले या वायुयान बोले या गुब्बारे, किस मंडल में गुब्बारे, कौन से गुब्बारे की बात कर रहे हैं जिसमें बैठ के यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की, तो किस मंडल में उड़ाए जाएंगे, किस मंडल में, समताप मंडल में। क्यों उड़ाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधित समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी, ना तो बादलों का निर्माण होगा, ना ही यहाँ पे बारिश जैसी कोई समस्या उत्पन्न होगी, इसलिए हम यहाँ पर वायुयान उड़ाते हैं, ठीक ना। कहां पर, समताप मंडल। समताप इस सम, जो आपका समताप मंडल है ना, इस समताप मंडल में एक परत पाई जाती है। समताप मंडल में क्या बोल रहे हैं हम, समताप मंडल में, यहां पर समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, और जो ये परत पाई जा रही है, इस परत का नाम क्या है, जो यहां पर एक परत पाई जाती है, इस परत का नाम है ओजोन लेयर, OZONE, ओजोन लेयर। क्या नाम है इसका, एक यहां पे परत पाई जाती है, और यहां पर जो परत पाई जा रही है उसका नाम क्या है, ओजोन लेयर, ओजोन परत है। यहां पर एक यहां पर परत है, और उस परत का नाम क्या है, ओजोन लेयर, ओजोन परत। चूंकि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, इसलिए समताप मंडल को हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं, तो समताप मंडल को हम किस नाम से जानते हैं, तो समताप मंडल को हम ओजोन मंडल के नाम से भी जान सकते हैं, ओजोन मंडल, ठीक ना। ये ओजोन परत करती क्या है, सूर्य से 8 प्रकार का प्रकाश आता है, जिसमें एक प्रकाश होता है जिसका नाम है अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरण। तो ये क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है, कौन सी, ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है, जो आपकी अल्ट्रावायलेट यूवी रेज बोलते हैं, यूवी रेज हैं, उनको धरातल पर आने से रोकती है, धरातल पर आने से रोकती है। तो धरातल पर आने से कौन सी परत अल्ट्रावायलेट किरणों को धरातल पर आने से रोकती है,
तो आपका क्वेश्चन हो जाए, आपका आंसर हो जाएगा सर ओजोन परत। और ओजोन परत जो है, ओजोन परत जो है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समतल मंडल। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई को हम डॉप्सन में नापते हैं, यानी ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम जिसमें नापते हैं उस इकाई का नाम है डॉप्सन। पूछा गया क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई को किस में मापा जाता है, यानी इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है डॉप्सन। इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है डॉप्सन, ठीक ना, इसकी इकाई डॉप्सन है। और ओजोन परत, ओजोन परत में एक छिद्र हो गया जो कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में देखा गया, और उस क्षेत्र के कारण पराबैंगनी किरणें धरातल पे पहुंच रही है, जिस कारण से दिन प्रतिदिन पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का अधिक गर्म हो जाना, पृथ्वी का अधिक गर्म हो जाना। ये कौन सी परत है, तो ये आपका ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल के ऊपर यहाँ पर एक लाइन है जो आपको व्हाइट कलर से दिख रही है, ये वाली, यहाँ पर एक लाइन है, जैसे इस प्रकार, जिस प्रकार यहाँ पर क्षोभ सीमा थी उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका समताप सीमा। तो समताप सीमा किस किस को अलग करती, तो समताप सीमा यहाँ पर समताप मंडल है और यहाँ पर मध्य मंडल है। तो यहाँ पर एक जो मंडल है इसका नाम है समताप, तो समताप मंडल, तो समताप मंडल को किस मंडल से अलग करती है, तो समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली संरचना का नाम क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो ये संरचना है, इस संरचना का नाम है समताप सीमा, समताप सीमा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग कहां पहुंच गए, आयन मंडल। मैं दूसरा बना देता हूं आपके लिए, एक ऐसा है, इसके नीचे यहां पर एक है, इसका नाम था मान लीजिएगा समताप मंडल, समताप, समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर एक मंडल है जिसका नाम है मध्य मंडल। इस मंडल का नाम क्या है, तो इस मंडल का नाम मध्य मंडल। मध्य मंडल यानी दूसरा था, इसके नीचे कौन सा है, क्षोभ है, ये तीसरा है, तो तीसरा जो है इसको हमने नाम दिया मध्य मंडल। इंग्लिश में मेजोस्फीयर बोलते हैं, MISOSPHERE, मेजोस्फीयर, मेजोस्फीयर, ठीक ना, मेजोस्फीयर है मध्य मंडल, समझिएगा अच्छे से, मध्य मंडल, मेजोस्फीयर, मध्य मंडल। यहाँ पर है समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर यहाँ पर एक मंडल होता है जिसका नाम क्या है, आयन मंडल। मैं दिखा देता हूँ आपको पिछले वाले मैप में, देखिएगा यहाँ पे समताप मंडल, यहाँ पे मध्य मंडल और आयन मंडल। तो मध्य मंडल जो है वो किसके मध्य में है, समताप मंडल और आयन मंडल। तो समताप और आयन मंडल के मध्य में जो संरचना पाई जाती है वायुमंडल की, उस संरचना को नाम दे दिया जाता है, उस संरचना को नाम दे दिया जाता है आपका मध्य मंडल। क्या नाम दे दिया जाता है, मध्य मंडल, इंग्लिश में मेजोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल में जैसे जैसे मध्य मंडल में 40 किलोमीटर से 80 किलोमीटर है, जैसे जैसे मध्य मंडल में ऊंचाई आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। तो मध्य मंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, तापमान में कमी आती है। मध्य मंडल में ऊंचाई में, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या जाती है, कमी। आपको याद रखना है मध्य मंडल की विशेषता है, तो मध्य मंडल की विशेषता ये है, मेजोस्फीयर या मध्य मंडल, मेजोस्फीयर या मध्य मंडल ऊंचाई में वृद्धि के साथ, 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 ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, तापमान में कमी आती है, किस मंडल में, मध्य मंडल में। बस आपको इसमें इतना याद रखना है। जो हमारा चौथा मंडल है उसका नाम ये है, चौथा मंडल ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, चौथा मंडल जिसको हमने एक नाम दिया, और नाम क्या दे दिया, आयन मंडल। इंग्लिश में आयनोस्फीयर बोलते हैं, IONOSPHERE, आयनोस्फीयर, SPHERE, आयनोस्फीयर, क्या नाम है इसका, आयनोस्फीयर। आयन मंडल नाम से ही पता चल रहा है, आयन मंडल एक ऐसा मंडल जिसमें आयन पाए जाते हैं। आयन मंडल में क्या पाए जाते हैं, तो आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया आयन मंडल। तो आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं, आयनोस्फीयर यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें आयन पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं, और आयन पाए जाते हैं, और आयन के पाए जाने के कारण, पाए जाते हैं, आयन के पाए जाने के कारण इसको नाम दे दिया गया आयन मंडल। अब आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबू आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और दूसरा कौन सा, तो दूसरा है ऋणायन। एक हो गया आपका धनायन और दूसरा होगा आपका ऋणायन। तो एक धनायन है और दूसरा आपका ऋणायन है, समझिएगा। आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं। जो आयन मंडल होता है, इस आयन मंडल में हमारे उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस मंडल में उपग्रह क्यों स्थापित किए जाते हैं,
क्योंकि उपग्रह इस मंडल में इसलिए स्थापित किए जाते हैं क्योंकि उपग्रह को संचालित करने के लिए, उपग्रह अपना कार्य कर सके, इसके लिए उपग्रह के पास क्या होनी चाहिए? ऊर्जा। तो उपग्रह में ऊर्जा कहां से आती है? तो उपग्रह में हम क्या करते हैं, उपग्रह में हम बैटरी लगाते हैं। और जब उपग्रह में हम बैटरी लगा देते हैं तो उस बैटरी के लिए, बैटरी तभी कार्य करेगी जब बैटरी को आयन यानी एक एनोड मिलेगा और एक कैथोड मिलेगा। तो आयन का मतलब क्या होता है? आयन का मतलब हो गया एक प्लस हो गया एनोड और एक माइनस हो गया यानी कैथोड। तो आयन यानी एनोड और कैथोड की भांति कार्य करते हैं और बैटरी को ऊर्जा देते हैं, इसलिए हम इस मंडल में उपग्रह स्थापित कर देते हैं। तो उपग्रह किस जिस मंडल में स्थापित किए जाते हैं उस मंडल का नाम हो गया आपका आयन मंडल। उस मंडल का नाम क्या हो गया? उस मंडल का नाम हो गया आयन मंडल। यहां पर क्षोभ मंडल है, मानव रहता है। तो मानव के द्वारा जो रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, रेडियो आपको, आप सेलफोन यूज करते हैं तो आपके सेलफोन से रेडियो तरंग निकलती हैं आप, या सैटेलाइट आपके यहाँ डिश टीवी होगा, डिश टीवी देखेगा ऊपर की ओर उसका मुंह कर देते हैं, उससे क्या होती है, तरंग निकलती हैं। तो क्षोभ मंडल से जो रेडियो तरंगें जाती हैं वो आयन मंडल में उपग्रह के पास जाती हैं और उपग्रह के बाद पुनः परावर्तित होकर धरातल पर आ जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मंडल है जहां से परावर्तित होकर रेडियो तरंगें पुनः धरातल पर आ जाती हैं, तो उस मंडल का नाम क्या है? उस मंडल का नाम है आयन मंडल। क्योंकि आयन मंडल में उपग्रह होते हैं और उपग्रह ही संचार उपग्रह होता है एक, तो संचार उपग्रह संचार करने के लिए आवश्यक होता है ऊर्जा, रेडियो एक्टिव यानी संचार किरणें होती हैं, रेडियो तरंग। तो जब रेडियो तरंग यहां पर जाएगी, संचार उपग्रह से टकराएगी, उस आवृत्ति को ढूंढेगी जहां पे आपने कॉल किया है या जहां से आप सिग्नल लेना चाहते हैं, उसके पास क्या करेगी, उन तरंगों को वापस भेज देगी। तो वह कौन सा मंडल है जहां से रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पुनः धरातल पर आ जाती हैं? आयन मंडल। दूसरा क्वेश्चन बनता है वह कौन सा मंडल है जहां पे उपग्रह स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आयन जिस मंडल में पाए जाते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? तो आयन मंडल के नाम से। पांचवा जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसका नाम है बाह्य मंडल। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल को इंग्लिश में हम आउटोस्फीयर बोलते हैं, OUTOSPHERE, आउटोस्फीयर। क्या नाम दिया जाता है? आउटोस्फीयर, बाह्य मंडल। समझिएगा, जो भी अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैस एवं हल्की गैसें जैसे हो गई आपकी नियॉन, जैसे एक गैस हो गई आपकी क्रिप्टॉन, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जैसे एक गैस हो गई आपकी रेडॉन, ठीक ना, नियॉन क्रिप्टॉन रेडॉन, एक हो गई आपकी नियॉन क्रिप्टॉन रेडॉन, हीलियम, ठीक ना। तो ये जो भी अक्रिय गैसें हैं, जो भी वायुमंडल में अक्रिय गैसें पाई जाती हैं, वह अक्रिय गैसें जिस मंडल में पाई जाती है उस मंडल का नाम क्या है? तो उस मंडल का नाम है बाह्य मंडल। क्या नाम है उस मंडल का? तो उस मंडल का नाम है बाह्य मंडल। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, अक्रिय गैसें जिस मंडल में पाई जाती है उस मंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा, अक्रिय गैसें जिस मंडल में पाई जाती हैं उस मंडल को हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। चलिए आइए अब एक एक से हम देख लेते हैं किस मंडल की क्या विशेषता है। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। बादलों का बनना, कोहरा, ओलावृष्टि या वर्षा, ये सारी घटनाएं जिस मंडल की, उस मंडल का नाम क्या है? क्षोभ मंडल। समताप मंडल की विशेषता क्या है? तो समताप मंडल की विशेषता ये है कि समताप मंडल में तापमान समान होने के कारण यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती हैं। मौसम संबंधित घटनाएं ना होने के कारण यहाँ पे हम क्या उड़ाते हैं? तो यहाँ पर हम वायुयान उड़ाते हैं। तीसरा है मध्यमंडल। मध्यमंडल की विशेषता हमने आपको यहाँ बताई है। मध्यमंडल में क्या है? ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में क्या आती है? कमी आती है। चौथा आपका आयन मंडल है जिसको हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। इसकी विशेषता हमने बताई, आयन पाए जाते हैं, इसमें उपग्रह स्थापित किए जाते हैं और जो रेडियो तरंगे हैं वो संचार तरंगे या रेडियो तरंगे वह इसी मंडल से परावर्तित होकर पुनः कहां पर आ जाती हैं? धरातल पर आ जाती हैं।
और सबसे बाद में हमने आपको बताया बाह्यमंडल। बाह्यमंडल यानी आउटोस्फियर, इसमें अक्रिय एवं हल्की गैसें पाई जाती हैं। जो हल्की होता है, जो भी चीज हल्की होगी वो हमेशा टॉप पे पाई जाती है। तो हल्की गैसें जैसे नियोन है, क्रिप्टॉन है, रेडॉन है, हीलियम है, ठीक ना, जिनॉन है, तो ये सारी गैसें कहां पर पाई जाती हैं आपकी? ये सारी गैसें आपकी पाई जाती हैं आपके बाह्यमंडल। तो ये हमारा वायुमंडल था। उसके पहले तो वायुमंडल की संरचना थी। यहाँ पे मैंने वायुमंडल का आपको संगठन पढ़ाया, कंपोनेंट्स वायुमंडल के, मैं कंपोजिशन कह लीजिएगा, गैसों का मिश्रण और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं उनको हमने यहाँ पर आपके लिए डिस्क्राइब किया। तो पहले आपको वायुमंडल का संगठन पढ़ना है, आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, पहला स्क्रीन शॉट ये ले लीजिएगा। चलिए, वायुमंडल का संगठन है, दूसरा ये है वायुमंडल की संरचना है, कहां पे कौन सी परत है, समताप मंडल कहां पर है, ओजोन मंडल कहां पर है, और तीसरा ये है जो अधूरा रह गया था, आयन मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल मैंने आपको इसमें समझाया, ठीक ना। तो ये आज आपका एक टॉपिक था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यूपीटीईटी की जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारे यहाँ बैच स्टार्ट होते हैं उनमें कहीं भी गुंजाइश नहीं रहती है कि कहीं से भी आपका सिलेक्शन रुक जाए या कहीं से भी आप क्वेश्चन ना कर पाए। पूरी कोशिश की जाएगी आपके साथ, और कोशिश क्या की जाती है, बल्कि ऐसा हमारा रिजल्ट रहा है कि हम जो भी पढ़ाते हैं वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं आमतौर पर, और बच्चे उनको आसानी से कर लेते हैं। बस से एक ही चीज करना है, आप पूरे वीडियो में साथ में हमारे साथ बने रहिएगा, आपको एक एक चीज हम क्लियर कर देंगे, ठीक ना। चलिए, तो आज यहीं रख लेते हैं, धन्यवाद, कल इसके आगे मिलते हैं, थैंक यू।